नमस्कार, रामा किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मावे की गुजिया। ये मैंने 250 ग्राम मावा लिया है, जिसको खोया भी बोलते हैं। इसको हम अच्छे से रोस्ट करेंगे स्लो फ्लेम में। बराबर इसको चलाते जाएंगे, इसको बराबर चलाते रहना है, नहीं तो हमारा मावा जल जाएगा। ये देखिए हमारा मावा भुंज गया है, अच्छे से रोस्ट हो गया। देखिए इस तरह का हमको करना है। इस तरह से अगर आप मावे को भूनेंगे तो बहुत ही अच्छी टेस्टी गुजिया बनेगी आपकी। अब मैं मावा ठंडा हो जा रहा है तो हम इसमें मिलाएंगे सब सामान। जब तक हमारा मावा ठंडा हो रहा है, ये मेरा मावा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बूरा चीनी, गरम में नहीं डालनी है। ये बूरा चीनी है, ये बाज़ार में आराम से मिल जाती है, कहीं से भी आप ले सकते हैं। आप चाहें तो पीसी चीनी भी डाल सकते हैं। गरम मावे में हमें चीनी नहीं डालनी है, नहीं तो वो पिघल जाएगी, पानी छोड़ देगी। इसलिए हम, जब मेरा मावा एकदम ठंडा हो जाएगा तभी हम उसमें चीनी डालेंगे। ये मैंने चीनी ली है 100 ग्राम, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने 100 ग्राम डाली है। आपके घर में जैसा मीठा खाते हो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें चिरौंजी। ये मैंने चिरौंजी ली है, ये हमने करीब 4 से 5 टीस्पून चिरौंजी डाली है। हम अच्छे से मिला लेंगे इसको। हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर। मैंने जो छोटी इलायची होती है उसको, 4-5 इलायची लेके उसको चीनी के साथ पीस लिया था, जिससे कि वो बहुत अच्छे से महीन हो जाती है चीनी के साथ पीसने से, वो मैंने डाली है। मैं ऐसे ही पीस के रख लेती हूँ, जब कहीं किसी चीज़ में डालना होता है तो तुरंत अपना डाल लेती हूँ। इससे बहुत ही आसानी रहती है मिलाने में, और इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है खाने में, बहुत ही टेस्टी बनती है गुजिया। ये देखिए हमारा मावा तैयार हो गया है। अब इसको साइड में रख देंगे और मैदे का डो तैयार करेंगे। ये मैंने लिए करीब 200 ग्राम मैदा। ये करीब 100 ग्राम मैंने घी लिया है, देसी घी। इसको मैंने पिघला लिया है और इसको हम अच्छे से मैदे में मिलाएंगे। हम पूरा घी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना ही डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। हम इसको अच्छे से हाथ से मिलाएंगे, जिससे कि अच्छे से मैदा और घी एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए। ये देखिए इस तरह से हमको बनाना है अपना मैदे का डो। इतना इसमें मोहन होना चाहिए। अगर ऐसे मुट्ठी बांधने से अगर हमारा लड्डू जैसा नहीं बन रहा है तो हमारा, समझ लीजिए, मोहन कम है। हम इस तरह से इसको चेक करेंगे कि हमारा मोहन सही है कि नहीं सही है, इस तरह से।
देखिए ये हमारा लड्डू एकदम बन गया है ना, इसी तरह से बनना चाहिए, नहीं तो हमारी गुजिया अच्छी नहीं बनेगी। अगर इससे ज़्यादा होगा तो भी हमारी गुजिया अच्छी नहीं बनेगी, वो टूट जाएगी। इस तरह का मोहन होना चाहिए। अब हम इसको जो गूंदेंगे, जो गुनगुने पानी से गूंदेंगे, ठंडे पानी से नहीं गूंदेंगे, क्योंकि मैंने इसमें घी का मोहन डाला है ना, तो वो घी जम जाएगा ठंडे पानी से, इसलिए हम गुनगुने पानी से इसको गूंदेंगे। कि मैंने आधा गिलास पानी लिया है गुनगुना, जो कि बहुत ही कम लगेगा पानी, इससे पानी बहुत कम लगता है। देखिए हमारा डो तैयार हो गया है, ये देखिए इस तरह से हमको, जैसे पूड़ी का आटा गूंदते हैं ना, इसी तरह से हमको आटा गूंदना है इसका। ये देखिए इतना टाइट, अब हम इसको करीब 15-20 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। इसको हम अच्छे से कपड़े से ढक देंगे और प्लेट से ढक देंगे, जिससे कि इसमें कहीं से भी एयर ना जाए, नहीं तो हमारा आटा सूख जाएगा और गुजिया हमारी अच्छी नहीं बनेगी। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है, तब तक हम मैदे का घोल तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 1 चम्मच मैदा लिए, उसमें ये गुजिया जो होती है उसकी किनारी चिपकाने के लिए होता है तैयार। आप चाहें तो पानी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको लगाती हूँ। इससे आप इसको आप लगाएंगे तो आपकी गुजिया गारंटी है टूटेगी नहीं, आपकी बीच से जो खुल जाती है जोड़ खुलेगा नहीं। ये मैंने काजू लिया है, जो मैंने पहले डाला नहीं था मावे में, और कुछ बादाम है जो मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिए एकदम महीन महीन, क्योंकि अगर ये मोटे होंगे तो हमारी गुजिया फट जाएगी, इसलिए हमने इसको बहुत महीन कर लिया है। और इसको मिलाएंगे हम, अब हम गुजिया अपनी बेलेंगे। मेरा आटा जो है वो सेट हो चुका है, करीब 20 मिनट हो गए हैं। अब हम उस आटे से अच्छे से, पहले देखिए हमारा इतना पानी लगा, मैंने आधा गिलास लिया था ना, देखिए बहुत कम पानी लगता है इसमें। अब आटे को अच्छे तरह से मस लेंगे फिर से, देखिए हमारा आटा कितना सॉफ्ट हो गया है। इसी तरह से हमको अच्छे से मसल लेना है आटे को। अच्छे से मसल के अब हमको लोइयाँ काटनी है। इस तरह से हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे, इस तरह से हमें लोइयाँ बनानी है। हम सारे आटे की लोइयाँ काट लेंगे, ये देखिए हमारी लोइयाँ बन गई हैं सब। अब इस ये देखिए इस तरह से हमारी सारी लोइयाँ बन गई हैं। अब हम इसमें से एक लोई लेके पूड़ी बेलेंगे उसकी, गुजिया की। हमें इसमें कोई आटा या घी वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है, इस तरह से हमको पलट पलट के ही बेलनी है। ये देखिए और ज़्यादा मोटी नहीं बेलनी है हमको, रोटी की तरह जैसे रोटी होती है उससे थोड़ी पतली बेलनी है, मतलब उससे ज़्यादा मोटी नहीं बेलनी है। जैसे हम रोटी बनाते हैं उससे भी पतली थोड़ी सी बेलनी है। ये देखिए हमारी पूड़ी बेल गई है। अब इसमें हम जो सांचा है उसका, जो गुजिया का, उसमें थोड़ी सी सूखी मैदा लगाएंगे, जिससे कि हमारी गुजिया चिपके नहीं, और उसको झाड़ देंगे पूरा उसमें, जिससे लगाना रहे ज़्यादा। अब हम इसमें पूड़ी रखेंगे इसकी, ये देखिए इतनी पतली बेलनी है हमको, और हम इस तरह से रखेंगे इसको। आप चाहें तो इस तरह से भी रख सकते हैं, जिस तरह से आपको आसानी हो उस तरह से आप इसको रख लीजिएगा।
और हम इसमें डालेंगे लगाएंगे सॉरी इसमें हम पहले मैदा के घोल जो मैंने तैयार किया था उसको लगाएंगे। इस तरह से हमें चारों तरफ लगाना है उंगली से। ये देखिए अब हम इसमें करीब 1.5 चम्मच जो मैंने खोया तैयार किया था उसको डालेंगे और अच्छे से दबा देंगे कस के प्रेस करके, जिससे कि हमारी भुजिया खुले नहीं हो। इसको जो किनारे की जो मैदा बची हुई है उसको मैं काट लूँगी। ये जो हमारी कटी हुई मैदा है ये हमारी काम आ जाएगी पूड़ी वगैरह बेलने के लिए बाद में। ये देखिए हमारी गुजिया बन गई है। इस तरह से हमें सारी गुजिया बनानी है और हम इस गुजिया को प्लेट में रख देंगे और प्लेट कपड़े से अच्छे से ढक देंगे, जिससे कि हमारी गुजिया सूखे नहीं, क्योंकि इसमें मोहन पड़ा होता है ना तो तुरंत सूख जाता है हमारा आटा। मैदा तो वैसे ही बहुत जल्दी सूखती है। इस तरह से हम रख देंगे और ढक देंगे। इसी तरह से हम सारी गुजिया बना लेंगे। और ये हमने घी चढ़ा दिया है गैस पे, जो मेरा घी गरम हो रहा है इसी में हम गुजिया सेकेंगे अपनी। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। हम खट्टे ज़्यादा गुजिया नहीं डालेंगे, नहीं तो हमारी गुजिया फट जाएगी। थोड़ी थोड़ी गुजिया करके सेकेंगे। और हम इस तरह से कलछी से घी को हिलाते हुए ऊपर की तरफ घी डालेंगे गुजिया के ऊपर, जिससे कि हमारी गुजिया ऊपर की तरफ थोड़ी सिक जाए और फटे नहीं। इस तरह से पलटते जाएंगे धीरे धीरे। कभी कभी गुजिया हमारी इतनी फूल जाती है कि वो पलटती नहीं है। देखिए जैसे ये वाली गुजिया हमारी पलट नहीं रही है, तो इसको हम कलछी की सहायता से सेकेंगे। थोड़ा सा कलछी से प्रेस कर देंगे हल्के हाथों से, तब सेकेंगे। ये देखिए हमारी गुजिया सिक गई है। इसी तरह से हम सारी गुजिया अपनी सेकेंगे। ये देखिए इसी तरह से हमको सारी गुजिया सेकनी है। आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए सबको और बताइए कि कैसी लगी रेसिपी, आपने कैसे बनाई, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।